तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये वीडियो नंबर 4 है और आप देख रहे हैं वस्ती क्लासेस, मैं होने की वस्ती। वीडियो नंबर 4 आ गया, इसका मतलब 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और इस वीडियो में हम आज फिर से बात करेंगे 9 टर्म्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और हम धीरे धीरे करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि करीब 2 वीडियो और लग जाएंगे, मतलब 4+2 6 वीडियोज में हम चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब ये था कि आपको चीज़ें कॉन्फिडेंटली समझ में आए और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, और आपको कहीं प्रॉब्लम होती तो मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे भर भर के कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। 9 टर्म्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा यहां पर एक जरूरी बात और कर लेते हैं कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप बिजनेस स्टडीज की क्लासेस कब से लेंगे, क्लास 11th की ही, इसके अलावा क्लास 12th के अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की वीडियोस आप कब अपलोड करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट चल रहा है और मैं वीडियोस बना रहा हूं और बहुत जल्दी मैं उनको अपलोड करूंगा। तो 9 टर्म्स हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। और ज़रूरी है कि अब जब हम अकाउंटिंग करें, मतलब हम अकाउंट्स बनाना शुरू करें, उसके पहले इन टर्म्स के बारे में जब हमको पता रहेगा, ये ठीक वैसा ही है कि अगर हमें किसी वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है तो हमें अल्फ़ाबेट अगर आता है तो हम आसानी से स्पेलिंग लिख सकते हैं। मतलब अभी हम अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं, टर्म्स को सीख रहे हैं, और सीखने के बाद फटाफट हम बनाएंगे अकाउंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब हो गया किसी भी गुड्स या सर्विसेज को, क्योंकि बिजनेस दो ही चीज़ों का हो रहा है। देखिए, या तो अभी जो मैं दे रहा हूँ, अगर इसको बिजनेस आप समझते हैं तो ये सर्विसेज का बिजनेस है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो ड्राइवर हो, ये अपने सर्विसेज को रेंडर्ड करके, सर्विसेज को प्रोवाइड करके और इनकम कमा रहे हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम बात दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि गुड्स, ये बोर्ड है, ये वाइटनर है, मार्कर है, ये स्पेक्स जो मैंने लगाए, ये मैंने कहीं से परचेस किया, मतलब ये गुड्स है, टेंजिबल थिंग है। तो बिजनेस दो ही चीज़ों का हो रहा है, या तो वो विजिबल थिंग है, टेंजिबल थिंग है, द थिंग्स विच वी कैन सी टच एंड फील, चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इनविजिबल थिंग जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम बाय अपने साइकोलॉजी में उतार सकते हैं कि हाँ चीज़ें हमारे लिए, हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो दो ही चीज़ों का बिजनेस हो रहा है, उन दोनों ही चीज़ों के लिए, उनको करने के लिए, बिजनेस उनका करने के लिए हमारे लिए एक्सपेंस का करना ज़रूरी है। एक्सपेंस बिजनेस में बहुत सारे होते हैं और उन खर्चों को हम इसीलिए करते हैं कि उनको करने के बाद में, उन एक्सपेंस को करने के बाद में, उस जितना अब हम वहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं उससे ज़्यादा का हमें वहाँ पे बेनिफिट होगा और इसीलिए हम खर्च करते हैं। एक्सपेंसेस की खूबसूरती ये है कि एक्सपेंसेस में आप क्वांटम ऑफ अमाउंट, मतलब कितना खर्च होने वाला है, इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि एक्सपेंस कब करना है। तो ये दो बहुत अच्छे फीचर हैं एक्सपेंस में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब हम लॉस में पहुँचेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो मैंने दो बातें बताई कि क्वांटम ऑफ अमाउंट कितना खर्च करना है और वो कब करना है, ये दोनों बातें आपको पता चल पाएंगी। भाई आपको अपने डेटा जो आप रिचार्ज कराते हैं वो आपको पता है कि उसकी ड्यू डेट कब है, वो अलर्ट मैसेज भी आने लगता है कि आपको कब आप रिचार्ज करना है। तो ये हो गया, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घर में दूध वाला दूध दे के जाता है, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर दे के जाता है, टाटा स्काई DTH का रिचार्ज कब करना है, सब वेल नोन एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं, और आपको पता होता है कि इनका पेमेंट कब करना है और ये खर्चे आप करते हैं क्योंकि इनसे आपको मिलता है बेनिफिट। ठीक ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और मैंने आपसे बताया कि एक्सपेंसेस जितने होते हैं उससे कहीं ज़्यादा का बेनिफिट हमको बिजनेस में होता है। एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं और जितना खर्च हम करते चले जाएंगे उतना ही हम रिवर्ट बैक में उसका हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्सपेंसेस एक एसेंशियल थिंग है बिजनेस को करने के लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बहुत टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी बताया। तो एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं और ये जरूरी क्यों होते हैं ये आपको समझने में आ गया है। अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। हम किसी चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, मैं ये मार्कर को बेचना चाहता हूँ मार्केट में, तो पहले इसे मैं परचेस करूँगा, तो इसको परचेस करने में जो मैंने खर्च किया है वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस करने के बाद में मैंने इसमें प्रॉफिट ऐड किया, मार्केट में सेल कर दिया, तो जितने में लिया था मैंने इसको एक्सपेंस किया था, उससे ज़्यादा मैं मार्केट में बेच दिया, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। फिर दूसरा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि बिजनेस में सैलरी का पेमेंट करना है, वर्कर्स है, वेजेस का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, टेलीफोन का पेमेंट करना है, मोबाइल फोन रिचार्ज का पेमेंट करना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट करना है, हमें बहुत सारे जो लोकल टैक्सेस होते हैं उनका पेमेंट करना है। तो ये सारे खर्चे हैं बिजनेस के जिसका पेमेंट हमको करना है, बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं। एक्सपेंस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपकी पढ़ने ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकम की। इनकम का क्या मतलब होता है? देखिए, इनकम का मतलब बहुत क्लियर है, किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से आए हुए बेनिफिट को इनकम कहते हैं। कैसे? हमने किसी गुड्स को परचेस किया था 40,000 रुपीज़ में, ये मेरे लिए गुड्स की कॉस्ट है, मैंने इसे परचेस किया था। जब परचेस करता हूँ तो अल्टीमेटली मैं तो बेनिफिट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, वो तो प्रॉफिट ही है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ,
मैं यहाँ पे इसे इस गुड्स को सेल्स कर देता हूँ। सेल्स को जनरली हम रेवेन्यू भी बोलते हैं कि मैंने इसे गुड्स को मार्केट में सेल कर दिया 50,000 रुपीज़ में। ये 40,000 रुपीज़ कॉस्ट का गुड्स है, 40,000 रुपीज़ का गुड्स है और इसे मैंने मार्केट में 50,000 रुपीज़ में सेल्स कर दिया है। जब 50,000 रुपीज़ में बेच दिया है तो एक्सेस ऑफ जो डिफरेंस है रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है इसे ही हम कहते हैं इनकम। ये लीजिए इनकम की डेफिनेशन बन गई। अगर हमारे पास रेवेन्यू 50,000 रुपीज़ है और 50,000 में से कॉस्ट को 40,000 रुपीज़ को मैं माइनस कर देता हूँ तो 10,000 रुपीज़ मेरे लिए बन जाती है इनकम। आपके दिमाग में जो बात चल रही है ना वो ये चल रही है कि इसे तो हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट क्या था वो भी आपको बताऊंगा। एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन मैंने की और उससे जो डिफरेंस आया है सरप्लस में पॉजिटिव टर्म में इसे मैं कहता हूँ इनकम। तो इनकम का बेसिक डेफिनेशन है कि रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट माइनस कर देना है। बहुत सारी जगहों पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखा रहता है, वो भी बात ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इस गुड्स को मार्केट में बेचने की कॉस्ट क्या है। जब तक कॉस्ट पता नहीं होगी ना, ये पता नहीं होगा कि ये कितने का मुझे पड़ा है तब मैं इसमें कितना प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉस्ट क्या, और कॉस्ट कैसे निकलेगा एक्सपेंसेस करने से। तो पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू कवर हो गया। तो पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू कवर होने से हम इनकम की बात कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे लिए इनकम। अब प्रॉफिट क्या होता है? ऐसी सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जब कई बार होती हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि प्रॉफिट तो एसेंस है बिजनेस का। मैंने कहा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंट क्लोज होते हैं एट द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो हम अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस ही तो निकालते हैं। तो लास्ट डेट को ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स में कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कभी किसी किसी ट्रांजेक्शन में लॉस भी हुआ, उसको हमने माइनस कर दिया और अल्टीमेटली प्लस माइनस करने के बाद में जो एसेंस बच गया हमारे पास में उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि बिजनेस का एंड रिजल्ट होता है और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स का मिक्स होता है। तो डिफरेंस है इनकम मतलब किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया था, 40,000 का परचेस किया था, उसे 50 में बेच दिया तो 10,000 की इनकम हो गई। लेकिन ऐसी बहुत सारी इनकम को अगर हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर निकाला जाता है, जबकि इनकम आप कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन को करेंगे तो आपको इनकम सामने सामने दिखेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चल पाता है, वो हम धीरे से सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इनकम वो है जो स्पेसिफिक एक ट्रांजेक्शन को करने से भी दिख जाती है, लेकिन प्रॉफिट वो है जब बहुत सारी इनकम को मिलाते हैं और उसमें बहुत सारे खर्चे माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो ये प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा गेन क्या होता है? गेन का मतलब हो गया, मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि मैं गुड्स को परचेस करता हूँ, उसकी कॉस्ट मुझे पता होती है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता हूँ और उसे सेल कर देता हूँ। ये रूटीन वर्क करता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ मार्केट में। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए कि मेरी किराने की दुकान है, मैं किराने का सामान मार्केट से परचेस करके लाता हूँ होलसेलर के पास से, क्योंकि मैं तो रिटेलर हूँ, तो मैं जिससे बल्क में मिलता है उससे परचेस करके लाता हूँ, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता हूँ और कस्टमर को बेच देता हूँ। ये रूटीन वर्क है, मैं लगातार करते रहता हूँ। इसको करने से जो मुझे बेनिफिट हो रहा है उसे ही स्पेसिफिकली मैं इनकम कहता हूँ, और उसी से एट द एंड ऑफ ईयर में जो कंक्लूजन निकालता हूँ उसे मैं प्रॉफिट कहता हूँ। तो ये बात तो क्लियर है कि इनकम किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग के लिए कंप्लीट ईयर के लिए। लेकिन प्रॉफिट के अलावा गेन का मतलब ये है कि अगर मैं इस नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अलावा किराने का सामान बेच के प्रॉफिट कमाना, फिर जो प्रॉफिट आ गया मार्केट से पैसा मिल गया उसे फिर मैंने सामान परचेस कर लिया फिर बेच दिया, ये मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर मैं अपने बिजनेस की किसी पुरानी एसेट्स को, आपके लोगों के घर में भी होता है पुराने कूलर होते हैं, फ्रिज होती है, कई बार एसी के आउटडोर होते हैं इंडोर होते हैं, आप उसे मार्केट में कबाड़ी के पास बेच देते हैं और वहाँ से कुछ आपको बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि आप उसका पूरा यूज़ कर चुके थे। उसे जो हमें ऐसे ट्रांजेक्शन से मिला है जो बिजनेस का रूटीन ट्रांजेक्शन नहीं है और उससे बेचने के बाद अगर हमें कुछ बेनिफिट मिला है तो उसे हम गेन कहते हैं। हमारे बिजनेस में रखा हुआ काउंटर है जिसके उस साइड में कस्टमर और इस साइड में हम रहते हैं, हम सारा डीलिंग जो करते हैं वो काउंटर के ऊपर ही रख के करते हैं। काउंटर अब ख़राब हो गया, मैंने उसे कबाड़ी को बेच दिया और बेचने से मुझे मान लेते हैं 5,000 रुपीज़ मिल गए, जबकि काउंटर जिस समय बना था आज से 10 साल पहले तो उससे मैंने 30,000 रुपीज़ में बनवाया था। 30,000 का काउंटर अब मैं उसका टोटल यूज़ कर चुका था, मेरी नज़रों में उसकी वैल्यू जीरो थी, लेकिन कबाड़ी के पास ले गया तो उसने उससे 5,000 रुपीज़ में परचेज कर लिया, मतलब मुझसे खरीद लिया, मतलब मुझे सीधे सीधे 5,000 रुपये का एक ऐसा प्रॉफिट हो गया है जो कि मेरा बिजनेस तो काउंटर बेचने का नहीं है ना, मेरा बिजनेस तो किराने का सामान खरीद के बेचने का है। तो नॉर्मल जो रूटीन वर्क के अलावा किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क से आप जो कमा लेते हैं उसे हम कहते हैं गेन। तो गेन बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से हट के होता है, आप जो चीज़ें कमा लेते हैं उसे हम गेन कहते हैं।
इसके अलावा हमारे लिए लिखा है लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस। और मैंने आपसे बताया कि अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे, तो एक्सपेंस में मैंने आपको दो बातें बताई। एक्सपेंस में क्वांटम ऑफ अमाउंट भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं और उसकी ड्यू डेट भी जान सकते हैं कि आपको पेमेंट कब करना है। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन फीस, आपको स्कूल की फ़ीस कब सबमिट करनी है, जमा करनी है, आपको स्कूल में ये पता होता है। आपको स्कूल में जो बस लगी है आपको उसको पैसा कब देना है ये आपको पता होता है। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन फीस देनी होती है। आपको स्टेशनरी में कितना लग जाएगा, आपको आपके पॉकेट मनी में कितना, ये सब पता रहता है। मतलब हम इसको वेल मेंटेन तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लॉस का मतलब हो गया जिसमें कुछ भी पता ना हो। लॉस मतलब जो हो जाता है, और लॉस में ना तो हमें ये पता होता है कि ये कब होने वाला है और कितने का होने वाला है। क्वांटम ऑफ अमाउंट दोनों ही चीज़ें पता नहीं होती। अगर ये पता होता कि लॉस होने वाला है तो फिर हम उसको होने क्यों देते हैं। तो लॉस हो जाता है। अब लॉस को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका जो हमारे पास सामने लिखा हुआ इनकम का, मैंने आपसे कहा कि मैं गुड्स को 40,000 रुपीज़ में परचेज करता हूँ और 50,000 रुपीज़ में बेचता हूँ, तो बीच का अमाउंट मेरे लिए कहलाता है इनकम। लेकिन अगर यही गुड्स मैंने 40,000 रुपीज़ का परचेस किया था और ये मेरी कॉस्ट थी, और 40,000 रुपीज़ के गुड्स को मार्केट में मुझे बेचना पड़ जाए 40,000 से भी कम में, तो वो मेरे लिए कहलाता है लॉस, क्योंकि मैंने तो 40,000 रुपीज़ का खुद परचेस किया है। इससे ज़्यादा का बेचता तो इनकम होती, तो प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने इसे 40,000 रुपीज़ का परचेस किया, मार्केट की कंडीशन ऐसी थी कि मार्केट में इस गुड्स को लेके आया था, तो इसके बाद जैसे ही इस गुड्स को लेके मैं लेके आया 40,000 में, मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो इससे भी सस्ता था, या मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट अब हमारे चलन से बाहर हो गया, कोई उसे पसंद ही नहीं करता है, तो अब ये गुड्स मेरे बिजनेस में रखे रखे खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा इसे औने पौने रेट में बेचो यार, खत्म करो। तो मैंने इस 40,000 रुपीज़ के गुड्स को मान लेते हैं 30,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, और जब 30,000 रुपीज़ में रेवेन्यू मिल गई तो मेरे पास जो लॉस है वो हो गया 10,000 रुपीज़। तो एक तो इंस्टेंट लॉस आपको दिख गया कि 10,000 रुपीज़ का लॉस है, जितने की कॉस्ट थी उससे कम में बिका, तो पहला लॉस ये हो गया। दूसरा लॉस हो सकता है बिजनेस में कोई एक्सीडेंट हो जाए, बिजनेस में आग लग जाए, बिजनेस में चोरी हो जाए, हमारा ट्रक कहीं से ट्रांजिट में था वो ट्रक पलट जाए, ये लॉस हो सकते हैं। और ऐसे लॉस को बिजनेस से हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। बिजनेस में रिस्क बना ही रहता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टूगेदर। बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा बिजनेस में उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो रिस्क कई सारी चीज़ों का होता है, कुछ रिस्क के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, हालांकि मैंने रिस्क का पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, फिर भी रिस्क को समझना ज़रूरी है क्योंकि लॉस की बात हम कर रहे हैं। रिस्क आपको बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, और मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। रिस्क सबसे ज़्यादा इस बात का है कि हम जो गुड्स मार्केट में परोस रहे हैं, जो हमने अपनी दुकान में गुड्स जिस चीज़ की खोली है, जो भी सामान रख के बेचना चाहते हैं, कंज्यूमर उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, ये एक बड़ा रिस्क है। हमने तो इस विश्वास में रखा है कि कंज्यूमर हमने जो रखा है वो पसंद करेगा। ठीक है, कंज्यूमर ने गुड्स पसंद कर लिया, अगला रिस्क हो सकता है कि कंज्यूमर उस प्राइस को, जो प्राइस आपने सेट किया, उस प्राइस को आपको देकर गुड्स लेना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, ये दूसरा रिस्क है। बिजनेस में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है। मैंने आपसे बताया कि जो ट्रांजिट में आपका गुड्स है कहीं से आ रहा है वो ट्रक पलट सकता है, उसमें चोरी हो सकती है, तो ये सब रिस्क बना हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस में और भी रिस्क होते हैं। कॉम्पिटिटर आपके प्राइस, जितना आपका गुड्स था उससे कम प्राइस पे गुड्स मार्केट में बेचना शुरू कर देता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है कई बार, तो हमें लॉस हो सकता है। तो लॉस अनसर्टेन होता है, इसमें कितना खर्च करना पड़ेगा ये भी पता नहीं होता है। लॉस को बिजनेस से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात, खुशखबरी की बात यह कि लॉस को हम बिजनेस से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, बिजनेस से अलग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉस को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर हम उस बिजनेस का या उस गुड्स का जिसका हमें डर है कि इसमें हमें खतरा ज़्यादा है उसका आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, आप उनसे अपने बिजनेस का, कंप्लीट बिजनेस का, या अपने मोटर व्हीकल का, या अपने गुड्स का, आप जिसका भी इंश्योरेंस कराना चाहें इंश्योरेंस करा सकते हैं, और नॉमिनल प्रीमियम में पूरे बिजनेस के रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो जो टैग लाइन है वो ये है कि हम कभी भी लॉस को बिजनेस से एलिमिनेट, मतलब अलग नहीं कर सकते, लेकिन लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं इंश्योरेंस करा के। तो ये होता है लॉस। अब बात करते हैं परचेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है परचेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है परचेस में। परचेस का मतलब होता है कि हम दो चीज़ों का परचेस करते हैं, देखिए, लेकिन परचेस का क्या मतलब होता है ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि किराने की दुकान है मेरी और मैं किराना का सामान परचेस करके लाता हूँ और अपना प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में बेच देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं 40,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस करता हूँ और उसमें 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को ऐड करता हूँ और मार्केट में 50,000 रुपीज़ में सेल कर देता हूँ। तो कॉस्ट
फिर मैंने कहा इसमें हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट और ये बन गया सेल्स, ठीक है। सी प्लस पी इक्वल टू एस हो गया। 40,000 रुपीज़ का जो गुड्स है ये मैंने कहीं से परचेस किया होगा ना, मैंने इसको परचेस किया होगा। गुड्स अगर आप परचेज़ नहीं करते हैं तो आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं भाई। ये मार्कर मैं पहले परचेस करता हूँ फिर सेल करता हूँ, वो किराना का बिजनेसमैन जो है पहले किराने को परचेस करता है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है और सेल करता है। अगर वो किराने का सामान परचेज़ नहीं करता कहीं से तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करता, जो कि पॉसिबल नहीं कि किराना वाला सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, वो तो अलग अलग लोग बना रहे हैं। तो मैंने अलग अलग जगह से गुड्स को परचेस किया है, कलेक्ट किया है और परचेस किया, हम यही तो पढ़ना चाहते हैं परचेस। तो परचेस का मतलब हो गया जब हम अपने बिजनेस में किसी ऐसे चीज़ को परचेस करें, किसी ऐसे गुड्स को परचेस करें जो बिजनेस में बार बार परचेज होगा, जिसको बेच के ही हम बिजनेस करना चाहते हैं, जिसे हम गुड्स कहते हैं। गुड्स कहते हैं ना, बहुत सारे लोग इसे माल कहते हैं कि हम हमारे बिजनेस में इतना माल आया, इतना माल चला गया। माल मतलब गुड्स, जिसका हम बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस कर रहे हैं, कोई एसी का बिजनेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का बिजनेस कर रहा है, तो वो बार बार उसके बिजनेस में एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आएंगे और वो परचेस करेगा और उसमें प्रॉफिट करके सेल कर देगा। मैं किराना का बिजनेसमैन हूँ, मैं किराना परचेस करता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ, सेल कर देता हूँ। कोई इस व्हाइट बोर्ड, इस मार्कर का बिजनेस कर रहा होगा, जो इसे परचेस करता होगा, सेल कर देता होगा। मतलब ऐसा गुड्स जो आप बिजनेस में रखने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में बेच देने के लिए खरीदते हैं। आप पॉइंट पकड़िए, पहले हमने परचेस किया और उसे हम सेल कर देते, तो हमारा मेन मोटिव ये है कि उसे हमें सेल ही करना है, तो वो हमारे लिए कहलाता है गुड्स, वो हमारे लिए कहलाता है माल। तो हमने उसे परचेस किया, उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसे सेल कर देंगे। तो जब भी हम किसी ऐसे चीज़ का परचेस करेंगे जिसका अल्टीमेट एम हमारे बिजनेस से डायरेक्ट सेल करने से है, तो उसे हम परचेस वर्ड लिखते हैं, उसे हमें परचेज लिखना है, परचेज वर्ड ही डिनोट करना है। जबकि एक्चुअल में आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है, आप गुड्स का परचेस कर रहे हैं, लेकिन आप लिखेंगे परचेज, तो ये परचेज हो गया। इसके अलावा आप बिजनेस में ऐसी चीज़ों को भी परचेस करते हैं जिसे आप परचेस तो करते हैं लेकिन आप उसका सेल नहीं करते। जैसे बिजनेस में आपका वेट मशीन, बिजनेस में आपका लगा हुआ फैन, लगा हुआ एसी, कूलर आप ठंडक के लिए लगाते हैं, काउंटर आपने कस्टमर्स के बैठने के लिए चेयर लगाई है, आपने बढ़िया बिजनेस के अंदर में ग्लास का, कांच का पार्टीशन कराया है बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो ये आपने परचेस तो किया है लेकिन आपने इसका सेल्स नहीं किया, इसे आप बिजनेस में ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस के लिए कहलाती है बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स। प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया है मैंने, अगर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स है, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करेंगे तो हम परचेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मेरी बात को आपको समझना होगा, अगर हम फिक्स एसेट्स को परचेस करते हैं, फिक्स एसेट्स वो जिसे हम परचेस करते हैं इसलिए कि उसका हम सेल्स नहीं करना चाहते हैं, उसे हम बिजनेस में ही यूज़ करेंगे। आपने मोटर व्हीकल, आपने ट्रक परचेस कर लिया है, आप उससे लोगों की डिलीवरी करते हैं, आप ट्रक का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने जो ट्रक परचेस किया वो आपके बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है। और जब भी आप ट्रक परचेस करेंगे या कोई भी एसेट्स परचेस करेंगे फिक्स एसेट्स, तो आप उसे परचेस वर्ड नहीं लिखेंगे। जब भी आप उसे परचेस करेंगे तो आपको फिक्स एसेट्स के नेम से ही वहाँ पे उसे बुक करना है, इसके नेम से ही बुक करना है। लेकिन अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हैं, सामान परचेस करके बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उस सामान का नाम नहीं लिखना है। किराना बिजनेसमैन है वो तो बहुत सारे किराना के सामान होते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, टूथब्रश है, और वहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं, चावल है, गेहूँ है, तो इन सबको अलग अलग नाम से नहीं लिखेगा, वहाँ पे एक कॉमन नाम है कि वो बोलेगा कि ये मेरा गुड्स है और वहाँ परचेज में एंट्री करेगा। तो ये परचेज है। तो परचेस मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल वर्क में जो परचेस करेंगे उसको, लेकिन अगर हम एसेट्स को परचेस करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को जिसे हम बिजनेस में यूज़ करेंगे अपने ही बिजनेस को कन्वीनियंट के लिए, तो उसे हम वहाँ पे उसके नाम से एंट्री पास करेंगे, वहाँ पे हम परचेस वर्ड नहीं लिखेंगे। आपको पता चल गया परचेस रिटर्न क्या होता है। मैंने गुड्स जब परचेस किया था तो उसमें से बहुत सारा गुड्स मुझे पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि यार ये गुड्स तो जैसा मैंने ऑर्डर दिया था वैसा नहीं है, तो आप गुड्स को वापस कर सकते हैं। परचेस के बारे में एक ज़रूरी बात बताना भूल गया कि परचेस दो तरीके का हो सकता है। पहला, आपके पास में सफिशिएंट कैश है और आप गए अपने व्यापारी के पास में, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हैं और आप कहीं से परचेस करते हैं, तो जिससे आप परचेस करते हैं वो भी तो बिजनेसमैन है, लेकिन वो होलसेलर है, आप रिटेलर हैं। तो मैं लेके पैसा गया और मैंने गुड्स लिया और पैसा दिया, मतलब मैंने कैश परचेस किया, कैश में कैश दिया, इस हाथ दे उस ले, कैश एंड कैरी, मैंने पैसा दिया और गुड्स लिया, तो कैश परचेस हो गया।
लेकिन वहीं एक दूसरा भी परचेज, और हमारे इंडियन ट्रेड प्रैक्टिसेस में मैक्सिमम जो हम परचेस करते हैं बिजनेस करने के लिए, वो हम क्रेडिट में मतलब उधार में करते हैं कि हम गुड्स लेके आ जाते हैं और कमिटमेंट कराते हैं कि भाई एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद हम आपका पैसा आपको वापस करेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेस। तो परचेस जो है वो कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। आपने क्रेडिट में ले आया है और कुछ समय के बाद आप उसका पेमेंट कर देंगे, तो ये हो गया। वहीं अगर हम परचेज रिटर्न देखते हैं, तो गुड्स हमने जो ऑर्डर किया था कि भाई ये गुड्स भेज दो, या हमने ऑर्डर दे के आए थे गुड्स का, अब हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स हमारे पास तक नहीं पहुंचा है, या गुड्स आया रास्ते में ट्रांजिट में कहीं ख़राब हो गया, तो ऐसे गुड्स को अब हम क्या करेंगे, भाई हमारे काम का नहीं है। तो हमने जो गुड्स अपने होलसेलर से परचेस किया है उसे हम रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे या तो जैसा स्पेसिफिकेशन हमने दिया था वैसा नहीं है, या तो गुड्स में डैमेज है, या कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं, प्राइस का फ्लक्चुएशन हो सकता है कि हमने तो अलग प्राइस वाला मंगाया था आपने अलग प्राइस वाला दे दिया, हमने ग्रेड वन मंगाया था आपने ग्रेड टू दे दिया, अलग अलग ग्रेडिंग भी तो होती है बहुत सारे गुड्स में। तो जब आपके अकॉर्डिंग ना हो गुड्स, तो आप उसे वापस कर सकते हैं, और परचेस जो बिजनेस में आ गया था उसी को रिटर्न कर देने को ही हम कहते हैं परचेस रिटर्न। कंडीशन कोई भी हो सकती है, सेल्स आपने गुड्स को परचेस इसीलिए किया है कि आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसे सेल्स कर देंगे। सेल्स के बारे में भी दो बातें, हम सेल्स वर्ड तभी यूज करेंगे, अगर हमें सेल्स की बात करता हूं कि हमें सेल्स वर्ड कब यूज करना है, तो सेल्स हो गया। सेल्स वर्ड आपको उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करना है जो आप परचेस के लिए यूज़ करते हैं। जब आप परचेस करते हैं गुड्स को, मैंने आपसे कहा कि मैंने 40,000 रुपीस का गुड्स परचेस किया, गुड्स को परचेस किया, फोकस करिए गुड्स को परचेस किया। ये गुड्स वो है जिसे नॉर्मली साल में कई बार मैं परचेस करता हूँ। किराना का बिजनेसमैन हूँ मैं, किराना का सामान लाता हूँ, दुकान में सजाता हूँ, कस्टमर को पसंद आता है, कस्टमर को बेच देता हूँ, फिर नया सामान लेके आता हूँ, फिर लगाता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, सजाता हूँ, कस्टमर खरीद लेते हैं, तो बार बार करता हूँ, तो उसे परचेस कहता हूँ। यही परचेस जब मैं सेल करता हूँ तो इसे हम सेल्स कहते हैं, मतलब ये यही वाला गुड्स है। लेकिन फर्क ये है कि मैं इसे जब परचेस करके लाया था तो इसकी कीमत 40,000 रुपीस थी, लेकिन जब मैं इसे सेल्स करूंगा तो इसमें पहले प्रॉफिट ऐड करूंगा, और इसी गुड्स का नाम जो यहां पे परचेस जाना जा रहा था, इसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद में इसका नाम हो जाता है सेल्स। तो यहां पे फिगर भी चेंज हो गया 50,000 रुपीस, और फिगर चेंज होने से प्रॉफिट ऐड होने से वही परचेस बन जाता है सेल, जबकि ये वही है जो मैंने नॉर्मल रूटीन अपने बिजनेस में बेचने के लिए लाया था। तो इसे हम कहते हैं सेल्स। बहुत आसान है सेल्स, लेकिन सेल्स अपनी एसेट्स का भी हो सकता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम फिक्स एसेट्स को परचेस करेंगे तो हमें उसे फिक्स एसेट्स के नाम से परचेस करना है। ठीक ऐसे ही बिजनेस के फिक्स एसेट्स को अगर आप सेल्स करेंगे, आपका एसी अब बिजनेस में लगा हुआ ख़राब हो गया है, उस एसी को आप सेल करना चाहते हैं, तो जब एसी को सेल्स करेंगे तो वहाँ पे आप सेल्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसा बार बार नहीं करते। वहाँ पे आपको एसी सेल करना है तो आप एसी के नाम से ही करेंगे, मतलब फिक्स एसेट्स के नाम से ही करेंगे। तो चाहे तो आप फिक्स एसेट्स का परचेस करिए या सेल्स करिए, या आपको इसके नाम से ही करना पड़ेगा। अदरवाइज गुड्स को परचेस करके सेल करते हैं, साल में कई बार करते हैं, तो वहाँ पर आपको सेल्स और परचेस वर्ड यूज़ करना है। इसके अलावा एक और बात आपको जाननी ज़रूरी है कि जब हम यहाँ पे गुड्स का सेल और परचेस कर रहे हैं ना, तो मैंने आपसे कहा ना कि बिज़नेस में मैं एसी अपने बिज़नेस में लगा हुआ एसी, क्योंकि मैं तो किराने का बिज़नेस मैन हूँ, तो मैं किराने का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो एसी मेरे लिए क्या कहला गया, वो एसी मेरे लिए कहला गया फिक्स एसेट्स। लेकिन अगर मैं एसी बेचने का ही बिज़नेस करता हूँ, एयर कंडीशनर ही बेचता हूँ, तो ऐसे केस में एयर कंडीशन को मैं बार बार खरीदूंगा और बार बार बेचूंगा, तो किसी एक के लिए वो एसी फिक्स एसेट्स है, लेकिन वही अगर कोई एसी का ही बिजनेस कर रहा है तो वो एसी उसके लिए कहलाएगी बिजनेस का स्टॉक, जिसे हम परचेस करेंगे तो हम परचेस लिखेंगे और सेल्स करेंगे तो सेल्स लिखेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको सेल्स भी समझ में आ गया, सेल्स रिटर्न, आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा और बाद में कस्टमर को पसंद नहीं आया, ठीक वैसे जैसे आपको पसंद नहीं आया था परचेस के केस में, तो ऐसे में कस्टमर को भी गुड्स पसंद नहीं आ सकता है, वो आपके गुड्स को रिटर्न कर सकता है। और जो सेल्स है, ये दो तरीके का होता है, कस्टमर कैश देके आपसे गुड्स ले जाएं तो कैश सेल्स, और अगर कस्टमर बोलें कि भैया दे दो उधार में, हम आपको एक हफ्ते दो हफ्ते 15 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद पैसा दे जाएंगे, तो उसे हम उधार पर सेल्स या क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं। तो ये कहलाता है सेल्स, और ये है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं जनरेट कर सकते, नहीं बना सकते, किसी को पसंद नहीं आया तो भाई वो वापस करेगा और अपना पैसा लेके चला जाएगा। तो ये है सेल्स रिटर्न। तो कितनी बेसिक बेसिक बातें लिखी हैं, लेकिन जो कन्फ्यूज़न हो जाता है वो हमें इनकम में, प्रॉफिट में और गेन में हो जाता है, लॉस भी आपको समझ में आ गया है। तो ये है वीडियो नंबर 4। इसके बाद दो वीडियो मुझे लगता है कि और आएंगे और बेसिक अकाउंटिंग टर्म हो जाएगा ख़त्म। मैं बहुत जल्दी आपसे वादा करता हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ की क्लास 11th की और क्लास 12th की अकाउंट्स ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ की वीडियोज़ भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। फिर मिलते हैं, पढ़ाई जोरों शोर से करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।